हाय गाइस नमस्कार, बीपी ब्लॉक्स 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच फिर से एक नए मेहमान हैं, नए कलाकार शकील अशफाक साहब। शकील अशफाक साहब जो है गजलें गाते हैं, कवालियाँ गाते हैं, वाक्य गाते हैं और इनके मिलियंस में व्यूज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं। और दोस्तों, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए शकील अशफाक साहब से हम पूछना चाहते हैं, शकील अशफाक साहब आप इस फील्ड में कब से और कितने दिनों से आप ये गा रहे हैं और आपको गाते गाते कोई परेशानी, कोई दिक्कत और कैसे आप इस फील्ड में आए हो? हमारे दोस्तों सबको मेरा पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए दोस्तों, मेरा इस मकाम पे पहुंचने, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत जिल्लत, बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो की है आपने, कोई शक नहीं। हाँ, और बहुत पापड़ वेले हैं तब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तकरीबन मैंने 10 साल इस फील्ड में बहुत मेहनत की और काफ़ी गज़लें गाई मैंने, नसीहत गाई। आप शकील साहब हमारे दर्शकों को अवगत कराइए कि आपकी जो गज़ल्स कौन कौन सी हिट हुई हैं, तो प्लीज़ आप गा के सुनाइए। देखिए पहली गजल मेरी थी जी, जी। सबसे पहले मैंने गजल गाई जो हिट हुई जी। देखिए कल मैंने 12 वाक्यों की रिकॉर्डिंग की है इसलिए थोड़ा गला भारी हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं। मैं सुना देता हूँ। मैं बताऊं भी क्या, मैं नहीं जानता। बहुत उम्दा। मैं बताऊं भी क्या, मैं नहीं जानता, दर्द दिल की दवा मैं नहीं जानता, दिल उसे कब दिया, वाह वाह, प्यार कैसे हुआ, दिल उसे कब दिया, प्यार कैसे हुआ, दिल उसे कब दिया, प्यार कैसे हुआ, कह दिया मैं नहीं जानता, मैं बताऊं भी क्या, मैं नहीं जानता। दोस्तों ये हैं शकील अशफाक और इन्होंने इस फील्ड में आने में बहुत मेहनत की है। देखो दोस्तों, जो खोदेगा वो उसको मिलेगा और वो अल्लाह ताला जरूर देता है, एक ना दिन एक देता है। और मैं शकील साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने लाइफ में ये सबसे पहली गजल गाई थी जी जी जी, ये कौन से चैनल पे थी? ये गोल्डन आई चैनल है, गोल्डन आई ट्रू महमूद साहब का। जी 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 जी, जी तो ये रिकॉर्डिंग तो मेरी एस कल्याणी में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रैक जो है मैंने खुद बनाया था। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आए हो तो आपको कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी इस फील्ड में और कैसे आप मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये हमारे व्यूवर्स आपसे जानना चाहते हैं। देखिए पहले तो मेरा सबसे पहले, मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया है, मजदूरी भी की है। वाह वाह वाह। और फ्रूट का भी काम था मेरा, फल फ्रूट का काम था सबसे पहले। और ये मुझे बचपन से बहुत लगन थी गाने बजाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले दरियागंज में ही अपना काम करता था और वहीं पे ये एस कल्याणी स्टूडियो है दरियागंज, जहाँ की मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एस कल्याणी स्टूडियो है तो मैं यहाँ आता रहा और हमारे चंद्र जी मिले सबसे पहले, और उनसे पहले सबसे पहले जो है चंद्र जी के बड़े भाई राजेंद्र जी बिल्कुल मिले बिल्कुल, थे बिल्कुल। तो वो मुझे मिलते थे तो मैं उनसे कहता था मेरी रिकॉर्डिंग करा दो। जी जी जी। तो फिर वो आते थे, फिर चंद्र जी से कहते थे इस बच्चे की रिकॉर्डिंग कर लो, फिर मैं आया। फिर हमारे विजय पवार जी मिले। हाँ जी, जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैठे हुए हैं और इन्होंने मेरे साथ काफी मेहनत की है। हम लोग सुबह के 5 बजे बिल्कुल बिल्कुल भोर में सुबह 5 बजे मैं आ जाता था, जब मुझे टाइम मिलता था अपने काम से तो मैं आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन्होंने मेरे साथ काफी मेहनत की है और इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी मेहनत थी उसमें एक्चुअल, आपका जो लगन, आपका जो जज्बा, और आपने हार नहीं मानी।
जी जी ठीक है, आपके साथ दो दो आदमी गाते थे वो चले गए, कि क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदवर पैदा। क्या बात है। और उनमें से ये हैं, मैंने जैसे अपने इंटरव्यू में बताता हूँ, जो खोदेगा बिल्कुल उसी को मिलेगा, फिर ऊपर से भगवान भी उसके ऊपर में बरसता है, नहीं यार इसको दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों उनमें से हैं शकील अशफाक साहब, और शकील अशफाक साहब जो है इस वक्त बहुत चोटी पे हैं, इनकी गजलें काफ़ी लोगों में और विदेशों तक लोग फोन करते हैं कि शकील अशफाक साहब एक गजल सुनाइए। शकील अशफाक साहब आप बताइए जो आप बता रहे थे। तो देखिए हमारे विजय पवार जी ने भी काफ़ी मेहनत की है, और हमारे चंद्र गांधी जी ने जी जी बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, ये एस कल्याणी का बहुत सपोर्ट रहा है और सहयोग आज बिल्कुल, भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है इसमें, और ये नहीं है कि साहब मैं गाना जानता हूँ तो सब देखिए दोस्तों हुआ है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं, फ्रूट बेचते हुए जी जी फ्रूट बेचते हुए और ये इस मुकाम तक पहुँचना तो कितना जुनून होगा, तो भगवान भी एक बार हार जाएगा कि नहीं यार इस आदमी को दो। तो उनमें से शकील साहब हैं। शकील साहब अपनी आवाज से अवगत कराइए। तो देखिए दोस्तों काफी मेहनत के बाद ये मकाम हासिल हुआ है, और खाली मेरी मेहनत से नहीं हुआ है। नहीं नहीं वो ठीक, सबका सपोर्ट है बिल्कुल, और ये उस परवरदिगार का करम है, ये एक टीम वर्क होता है, सबकी सपोर्ट है मेरे साथ, और किसकी तकदीर किससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो हमारे स्टूडियो में एक लड़का चाय पिलाता है उसकी भी तकदीर है हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक दूसरे से मिले हुए। बिल्कुल बिल्कुल, टीम वर्क जिसको कहा जाता है। ये अपनी आप कुछ गजल्स जो है अभी जो रिसेंटली हिट हुई है, इसके बाद मैंने गजल गाई थी अजय ठाकुर चैनल पे, एटी म्यूजिक पे। बिल्कुल। तो वो करीब 125 मिलियन चली थी मेरी, सवा करोड़। वाह। और एस कल्याणी म्यूजिक चैनल पे मैंने गाया है माँ का रुतबा नसीहत, वो मिलियंस में है, वो 18 मिलियन है, 19 मिलियन होने वाली है। तो ये गाय आप सुनाइए। तो मैं ये गजल सुना रहा हूँ जो अजय ठाकुर पे जो काफी डू जी करके तनहा, करके तनहा मुझे इस मोड़ पे लाने वाले, वाह, करके तनहा मुझे इस मोड़ पे लाने वाले, करके तनहा मुझे इस मोड़ पे लाने वाले, करके तनहा मुझे इस मोड़ पे लाने वाले, एक नजर देख, एक नजर दे खिले दिल तोड़ के जाने वाले, एक नजर दे खिले दिल तोड़ के जाने वाले। शकील साहब हमारे व्यूवर्स को आप कुछ शेर व शायरी से भी अवगत कराइए, देखिए क्या क्या फन है इनके पास। देखिए आप ये कथा सुना रहा हूं आपको, शेर जिसको बोलते हैं शायरी, आस्ताना जी, शायरी। हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, वाह, जिसको गले लगाया वो ही दूर हो गया। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, नाला जो बह रहा था मेरे गांव में कभी दरिया से जा मिला है तो मगरूर हो गया। वाह वाह। तो देखिए दोस्तों एक शेर मुझे याद आया, बहुत ही प्यारा शेर याद आया जी, सुनाइए। वो बदनसीब है जिन्हें गम ना गवार है, वो तो निगाह रहमत परवरदिगार है, वो बदनसीब है जिन्हें गम ना गवार है, वो तो निगाहे रहमते परवरदिगार है, और दुनिया में तेरा कोई बिगाड़ेगा क्या शकील, तुझ पर निगाहे रहमते परवरदिगार है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा शकील साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ, जिला बदायूं। बिल्कुल। तो जिला बदायूं में से पहले तकरीबन 24 किलोमीटर पहले मेरा गाँव है उरैना। बिल्कुल बिल्कुल। रहना वहीं पे सैदपुर है जहाँ तस्लीम आरिफ साहब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तकरीबन तीन किलोमीटर का फासला है, तो मेरा गांव रहना है वहां से हूँ। दोस्तों आप जितनी भी गजल सुन रहे हैं लोगों में, चाहे आप अरशद कामली हैं, नईम साबरी साहब हैं, जुनैद सुल्तानी साहब हैं, तो सबको स्टूडियो तक लाने के लिए शकील साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और काफ़ी सिंगरों को इन्होंने गवाया है कि ऐसे स्टूडियो में गाया जाता है और ऐसे ऐसे आप गा सकते हैं। तो सब अच्छी अच्छी चोटियों पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। शकील साहब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह आप देंगे? उनके लिए ये सलाह है कि मेहनत करें, किसी को कॉपी करें, बिल्कुल दूसरे को सुने कि ये कैसे गा रहा है। खाली ये नहीं है खाली रियाज से कुछ होगा, बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाले को कौन कैसा गा रहा है उसको कॉपी करें पहले, बिल्कुल सत्य बात है, फिर जो है रियाज भी करें उसके साथ साथ, बिल्कुल बिल्कुल, और किसी से सीखें, जरूर तरक्की मिलेगी। अभी मैं सुनने में आ रहा है कि आपको कुछ अवार्ड दिया जाने वाला है इस गायकी के क्षेत्र में, क्योंकि वो एक भारत सरकार ने रखा हुआ है कि नीचे से जो बंदा उठ के आ रहा है और जमीनी लेवल से और वो इस मुकाम तक पहुंचे जिसके मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में दोस्तों इनके व्यूज, अगर आप शकील अशफाक खोलेंगे तो सबसे पहले ये साहब खोलेंगे, शकील साहब। शकील साहब आई लव यू, बहुत बढ़िया आप गाते हो और बहुत बढ़िया आपकी प्रेजेंटेशन है। तो आइए दोस्तों हमारे बीपी ब्लॉग चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हम आपसे जरूर मिलते रहेंगे। ये बीपी ब्लॉग्स 24 में प्रोग्राम आप देख रहे हैं, चैनल आपके दम पे चल रहा है ये, और आपका सहयोग चाहिए। बीपी ब्लॉग्स 24 को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तो लास्ट में मैं एक नसीहत के बोल सुना रहा हूँ जी, जो काफी हिट है एस कल्याणी पे, और माँ का रुतबा क्या होता है पहचान ले रे तू, वाह माँ का रुतबा क्या होता है पहचान, ये माँ के ऊपर है तू, हालत क्या माँ की हो गई जरा ध्यान दे रे तू। नमस्कार दोस्तों, ये थे शकील अशफाक साहब, और वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं अच्छे अच्छे कलाकारों को आप तक पहुंचाते हैं पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप शकील साहब चैनल के बारे में बोल दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे बीपी ब्लॉग के लिए आप सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, बीपी ब्लॉग 24 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइबर करें, और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, जितने भी आपके मिलने वाले हैं शेयर करें, आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेंगी इस चैनल पर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं हमारा वीडियो कैसा है, आपकी राय हमारे लिए बहुत मुफीद होगी।